हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ड्रेस के ऊपर या ब्लाउज के बैक साइड में छोटा सा जो फ्लावर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने ये पट्टी ली है, आपको चाहिए जितनी चौड़ी लेनी चाहिए। आपको बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप ये चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2.25 इंच लिया है। अब इसे हमें जैसे ये जो पट्टी है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे छोटे प्लेटें डालनी है। इस तरह से हमें ये छोटे छोटे प्लेटें डालनी है और इसकी लंबाई जो है आपको अपने हिसाब से लेनी है। जितनी आपको जितना आपका फ्लावर चाहिए उतनी आपको लेनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी आप अपने हिसाब से, जैसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। इस तरह से ये प्लेटें डालनी है, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें ये प्लेटें डालनी है। इस तरह से हमें ये प्लेटें जो है इस तरह से आती है तो पूरे पट्टी के ऊपर हमें ये प्लेटें डालनी है। इस तरह से हमने ये पूरे पट्टी के ऊपर ये प्लेटें डाली हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये प्लेटें जो डाली है हमने इस तरह से ये प्लेटें आती है हमारी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें पूरा राउंड शेप में इसको फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे आपको बीच में थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और पहले हमें इसको स्टिच करना है। नीचे के साइड में हम इसको पहले पक्का करेंगे। और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है।
और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं और ये जो है यहाँ पे भी हमें नीचे के साइड में इसको पक्का करना है। इस तरह से हमें इसको पक्का करना है। इस तरह से हमने ये फ्लावर जो है वो बनाए हैं। एक्स्ट्रा धागा जो है उसे हम कट करेंगे। इस तरह से आप छोटे बच्चों के ड्रेस के ऊपर भी इस तरह से ये फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से ये फ्लावर जो है ये ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए हमने ये बनाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।